बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डीजे टॉक्स। UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। लाहौर की एक नामवर यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अगर आपकी तलीम प्राइमरी है, मिडल है, मैट्रिक है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए सीट्स अनाउंस की गई हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अप्लाई का पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतालिक डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जानिब से जो एडवर्टाइजमेंट शाया किया गया है ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी, 28 जुलाई 2024 को अनाउंस की गई थी जॉब, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अगर आपका काम अच्छा हुआ, आपकी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाइड हुए तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर है। रीजन इसके अंदर पंजाब है, ये पंजाब की सीट है। सेक्टर इसके अंदर प्राइवेट है, प्राइवेट जॉब है। मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो आपको फ्री कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं उसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। सिटी इसके अंदर लाहौर है, लाहौर से अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज 29+ हैं। सैलरी पैकेज इसके अंदर 80,000 से लेके 1,00,000 तक है। अकॉर्डिंग टू योर स्केल, अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन आपकी सैलरी सेट की जाएगी। लास्ट डेट इसकी 5 जुलाई 2024 है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास ये वो सीट्स हैं जो अनाउंस की गई हैं जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। ऑटो मैकेनिकल की सीट है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की है, ड्राइवर की है, हेड जॉइंटर की है, कुक की है, कूली की है, वेब मास्टर, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट हाउसकीपर। ये वो सीट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जानिब से अनाउंस की गई हैं जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी, बोथ जेंडर आर एलिजिबल, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्किल इसके अंदर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की है। एज लिमिट 35 साल तक आप एलिजिबल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तक आप एलिजिबल हैं। एजुकेशन जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इन चार में से कोई एक डिग्री भी है तो उस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और कम से कम 2 साल। फ्रेश कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन को ब्रीफली बताया जाता है डिटेल के साथ। इसके अंदर जो मास्टर, वेब मास्टर है, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, BPS 16 ग्रेड होगा आपका, बैचलर्स आपने किया हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने MA किया तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। आपने जो है MA, आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की सीट्स हैं। BPS 16 ग्रेड होगा आपका, आपने BCOM किया है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है, BPS 11 ग्रेड होगा, ग्रेजुएशन आपने किया कंप्यूटर साइंस के साथ, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट हाउसकीपर BPS 9 ग्रेड होगा, इंटरमीडिएट आपने किया है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो मैकेनिकल BPS 6 ग्रेड होगा आपका, आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट हो, आपने डिप्लोमा किया हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका अपनी फील्ड के अंदर होना चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रिशियन की सीट है, BPS 5 है, मिडिल आपने पास किया है, डिप्लोमा किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर BPS 4 प्राइमरी पास की है, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड आपके पास ट्रैफिक लाइसेंस होना चाहिए, ट्रैफिक के रूल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। जूनियर हेड क्लर्क, हेड जॉइंटर की जो सीट है BPS 2 ग्रेड होगा, आपका एक्सपीरियंस अपनी फील्ड के अंदर 10 साल का होना चाहिए। कुक, ये मेरी उन बहनों के लिए है जो घर में बैठे और कोई अच्छी जॉब करना चाहती हैं, आपके हाथ में जायका है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। खाना बनाना आता है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल आपने पास किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी अच्छी जगह का खाना बनाने का या वैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो। कूली की सीट है, इसके अंदर आपके पास सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अप्लाई आपने किस तरह करना है यहाँ पर देख लेते हैं।
अप्लाई ऊपर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। जी हाँ जी, यहाँ पर आ जाते हैं अप्लाई किस तरह करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। जी ये इनकी फील्ड्स लिखी हुई हैं, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपने इनकी जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। जो BPS 11 से लेके BPS 16 तक आपकी फ़ीस जो है वो ये होगी, और ये आपकी फ़ीस यहाँ पर सामने मेंशन है, वो आपने फ़ीस अपनी चलान फॉर्म के साथ भर देनी है, जमा करवा देनी है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया होगा उसके साथ CNIC शनाख्ती कार्ड की कॉपी, आपका डिप्लोमा और चलान फॉर्म की फ़्रेश कॉपीज़, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो ऐड करके अटैच करके आपने ये इनकी यहाँ पर आपने इनको भेज देना है। ये देखें, ये इनकी जगह है, यहाँ पर आपने इनको भेज देना है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस खयाबाने जमिया पंजाब लाहौर, यहाँ पर आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स इनको कोरियर कर देने हैं। ये देखें, यहाँ पर लिखा BPS 1 से लेके आपकी जो है वो चलान फॉर्म 100 होगा और BPS 5 वालों का 500 होगा। आपने अपने जॉब के मुताबिक जो है वो चलान फॉर्म भर देना है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो आपका तजर्बा है, जो आपकी तलीम है और जो आपका एक्सपीरियंस है, डोमिसाइल है, ये तमाम तर चीज़ें अटेस्टेड होनी चाहिए। इसकी कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uhs.edu.pk या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना और ये सारी चीज़ों की कॉपी अटैच करके इस जगह पर आपने कोरियर कर देनी है। यहाँ पर डिटेल से भी लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर डिटेल से भी लिखा हुआ है, ये भी आप रीड कर सकते हैं, ये देखें। और आपने इनको जो इनके बताए हुए एड्रेस पर यहाँ पर आपने इनको भेज देना है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, जिन लोगों को वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे सिर्फ वही लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे। नो डाटा विल बी एडमिसेबल इन दिस जॉब, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं तो कंपनी से ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस मांगेंगे तो कंपनी आपको नहीं देगी, वो आपने खुद से ही शेयर खर्च करने हैं। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।